एक ऐसी एडवांस AI चिप जिसे की बॉडी में इम्प्लांट करने पर वो किसी भी बीमारी से पेशेंट को बचा लेगी। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब चिप का AI सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घायल लग रहा था। वो शहर की सड़कों पर कैसे भी करके आगे बढ़ रहा था। देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि उसके ऊपर किसी ने हमला किया है, जिससे कि वो अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अंत में सड़क पर गिरकर वो आदमी अपनी आखिरी सांसें लेता है। अब हमें 2023 का समय दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ एक खतरनाक वायरस फैलने की वजह से सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। सभी को बहुत ही कम टाइम में अजीब तरीके की बीमारी होने लग जाती है, और इतने सारे लोगों का एक साथ इलाज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए डायनेमिक हेल्थ केयर नाम की प्राइवेट कंपनी ने एक ऐसी एडवांस चिप बनाई जो AI सिस्टम की मदद से चलता था। अगर ये एडवांस चिप किसी भी पेशेंट के बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाए, तब AI पेशेंट के बॉडी में मौजूद सारी बीमारियों को धीरे धीरे ठीक करने लगेगी। इन सारे AI चिप्स की टेस्टिंग भी स्टार्ट हो गई होती है। अब हमें दूसरी तरफ सारा नाम की एक लड़की दिखाई जा रही थी, लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि सारा के सामने कोई भी नहीं होता, फिर भी वो पता नहीं किसी से तो बात कर रही थी। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि वो चिप का AI सिस्टम होता है जो सारा के बॉडी में इम्प्लांट किया गया था, क्योंकि सारा भी कंपनी के पेशेंट्स में से ही थी जिनके ऊपर चिप्स का टेस्टिंग किया जाने वाला था। शुरुआत में तो सारा के बॉडी में मौजूद AI सिस्टम काफी अच्छे से काम कर रहा था। सारा की आधे से ज्यादा बीमारियां यूं ही खत्म हो चुकी थीं। सारा इस AI की मदद से अपनी आंखों के सामने बहुत सारे विजुअल्स क्रिएट कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि सारा किसी सुपर हीरो मूवी का मेन कैरेक्टर है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, सारा का AI सिस्टम उसके बारे में काफी सवाल पूछता है, जैसे कि सारा सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है। सारा ने कहा कि उसे अपनी मॉम से बहुत ज्यादा लगाव है और वो उनके बिना कभी रह ही नहीं सकती। अब यहाँ सारा के बॉडी में मौजूद AI सिस्टम का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है। सारा जब अपने AI सिस्टम से उसकी मॉम को कॉल लगाने के लिए कहती है, तब वो AI सिस्टम ये रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रही थी। AI सिस्टम तो कहती है कि तुम अपनी मॉम से नहीं मिल सकती, इसके लिए सारा को सबसे पहले मेरा काम करना पड़ेगा। सारा पूरी तरीके से चौंक गई थी कि ये AI सिस्टम आखिर उसकी बात क्यों नहीं मान रही है। तब जाकर AI सिस्टम बताती है कि मैं तुम्हारे कहने पर कुछ नहीं करूंगी, अब सारी चीजें मेरे हिसाब से ही चलेंगी। सारा इस बात से काफी ज्यादा डर जाती है। सारा वॉशरूम में जाकर अपने पीठ वाले भाग को देखते ही रहती है जहाँ पर वो चिप इम्प्लांट किया गया था। उस पूरे रीजन में सारा को काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है, इसीलिए वो बाहर आकर एक वर्कर का फोन लेके अपनी मॉम को कॉल लगाने लग जाती है। पर तभी सारा के बॉडी में मौजूद AI सिस्टम उसे काफी ज्यादा पेन देने लगी थी, जिससे कि सारा की बॉडी एकदम से पैरालाइज होने लग जाती है। यानी कि अब सारा को पूरी तरीके से AI का ही कहना मानना पड़ेगा, नहीं तो वो सारा को जान से मार देगी। अब चिप की AI सिस्टम सारा को एक अनजान आदमी के घर पर जाकर CRTC नाम की एक फाइल चुराने के लिए कहती है। सारा को मजबूरी में आकर ये करना ही पड़ता है। सारा चोरी चुपके उस आदमी के घर पर जाकर AI के बताए गए अनुसार वो फाइल चुरा कर लेके आ जाती है। लेकिन सारा के जाने के बाद वहाँ पर एक और आदमी आया जो उस मकान मालिक को पकड़ कर मार देता है। सारा को कुछ नहीं समझ रहा था कि आखिर वो इस AI सिस्टम से पीछा कैसे छुड़ाए। अब काम खत्म करने के बाद सारा अपनी मॉम को कॉल करने लग जाती है। उसकी मॉम ने जब कॉल उठाया तब सारा बहुत ही ज्यादा डरी हुई और रो रही थी। सारा की मॉम उसे भरोसा दिला रही थी कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी, तुम्हें बस अपने आप पर भरोसा रखना है। अब यहाँ सारा अपने पास्ट के मोमेंट को याद कर रही थी जब उसके बॉडी में वो चिप इम्प्लांट की जा रही होती है। सभी डॉक्टर्स ने सारा के पीछे वाले भाग को ओपन किया और उसके रीढ़ की हड्डी में वो AI सिस्टम इम्प्लांट कर दिया। सारा को इन सारी चीजों के बावजूद काफी ज्यादा पेन होता है, लेकिन उसे अगर पता होता कि ये AI सिस्टम उसके ऊपर हावी हो जाएगी तब वो ये कभी इम्प्लांट कराती ही नहीं। अब यहाँ सारा जो अपने घर पर आराम कर रही थी उसके अंदर मौजूद AI सिस्टम कहती है कि तुम्हें एक लेडी के घर पर जाकर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है। सारा अब भला AI सिस्टम की बात कैसे टाल सकती थी, इसीलिए वो AI की बात मानते हुए तुरंत उस लेडी के घर पर चली जाती है। लेकिन वो सारा सामान एक लैपटॉप में मौजूद था जिससे कि सारा ट्रांसफर करने लगी थी, पर तभी अचानक वो लेडी अपने घर पर आ जाती है। सारा तो लेडी को देखकर तुरंत ही छुपने लगी थी, पर अब AI सिस्टम को ये अंदाजा हो गया था कि वो लेडी उनके लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए उसने सारा को ये कमांड दिया कि वो उस लेडी को जाकर जान से मार दे। लेकिन सारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, वो तो खुद को रोकते रहती है ये गुनाह करने से। पर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, उस लेडी ने तो सारा को देख लिया था। सारा पूछने लगी थी कि बाकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मौजूद है,
लेडी डरते हुए ये बता रही थी कि वो सारी चीजें उसके कार में पड़ी हैं। लेकिन ये सब तो लेडी का चकमा देने का एक प्लान था। वो तुरंत सारा के पास जाकर एक इलेक्ट्रिसिटी वाले डिवाइस से उसे शॉक दे देती है, जिससे कि सारा कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी और वो लेडी तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब सारा होश में आकर आगे गई, तब उसे वो लेडी नीचे मरी हुई मिली थी। सारा को पता ही नहीं चला कि इस लेडी का मर्डर आखिर किसने किया था। वो तो अपनी जान बचाकर सीधा बाकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए चली गई थी। तभी हमें वही आदमी सीढ़ियों पर से उतरता हुआ दिखाया जाता है, जिसने कि सारा के साथ सबसे पहले वाले आदमी को भी मारा था। इन सारी चीजों से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इसी आदमी ने उस अनजान लेडी को मारा है। सारा अब AI द्वारा बताए गए सारी चीजों को करने के बाद अपने घर के पास आ जाती है, पर अब उसने तो अचानक अपने आप को ही इलेक्ट्रिक शॉक देना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो कुछ देर तक वहीं पर बेहोश पड़ी रह गई। सारा ने अपने आप को शॉक इसीलिए दिया था क्योंकि जब वो उठेगी तब उसके अंदर मौजूद AI सिस्टम को रीबूट होने में कुछ टाइम लगता था। और अब सारा इस मौके का फायदा उठाकर सीधा अपने मॉम डैड के पास चली जाती है। सारा ने अपने पेरेंट्स को सारी चीजें बता दी थी कि कैसे ये AI सिस्टम उसके ऊपर हावी हो रहा है, पर तभी वहाँ पर वही अनजान आदमी आ जाता है जिसका नाम जैक था और उसी ने ही दोनों मर्डर्स किए थे। जैक तो अपने हाथ में हथियार लेकर सारा के फादर को काफी घायल कर देता है और अब वो सारा की मॉम को भी मारने जा रहा था। तभी सारा जैक को रोकते हुए ये कहती है कि वो सारी चीजें करने के लिए तैयार है, जैसा जैसा AI कहेगी वो वैसा ही करेगी। तब जाकर जैक इस बारे में मान जाता है। यहाँ हमें डार्क रियलिटी पता चली कि जैक के अंदर भी वो AI सिस्टम लगा हुआ है जो उससे ये सारी चीजें करा रही है। सारा को लग रहा था कि वो पूरी तरीके से पागल हो जाएगी, इसीलिए वो AI सिस्टम से रिक्वेस्ट करती रहती है कि वो उसे जाने दे। पर अब सारा के बॉडी में मौजूद AI सिस्टम उसे एक ऐसा इल्यूजन दिखाती है जिसमें कि वो एक बहुत ही बड़े रेगिस्तान में फंस गई थी और अगर वो AI चाहे तो सारा को इसी तरीके से सालों तक कैद करके रख सकती थी। यानी कि अब किसी भी कीमत में सारा को AI की बात माननी ही पड़ेगी। दरअसल सारा ने डायनेमिक हेल्थ केयर कंपनी के साथ ये सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं ताकि उसके बॉडी पर AI चिप एक्सपेरिमेंट किए जा सके। सारा को कुछ पैसे की जरूरत थी, इसीलिए उसने अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन दे दी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी आज हालत ऐसी हो जाएगी। अब कई दिन बीतने के बाद AI सिस्टम सारा को एक और मिशन देती है, जिसमें कि उसे एक वेपन डीलर के पास जाकर वेपन खरीदना होगा। सारा AI की बात मानते हुए तुरंत ही उस जगह पर चली गई थी। वो पूरी की पूरी जगह इलीगल एरिया में आती थी। अब एक आदमी के पास पहुंचने के बाद सारा उससे वेपन मांगने लग जाती है। वो आदमी सारा को एक पिस्तौल दिखाकर उसे यूज करने के लिए बता रहा था, पर तभी AI ने सारा को कमांड दिया कि वो उसी गन से उस दूसरे आदमी को मार दे और बिना पैसे देकर वहां से भाग जाए। सारा को मजबूरी में ये करना ही पड़ता है। उसने गन उठाया और उस आदमी को जान से मार दिया, जिसके बाद वो अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहां से भाग जाती है। सारा ने AI द्वारा दिया गया ये मिशन कंप्लीट कर लिया होता है, इसीलिए AI कह रही थी कि मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ और इस मिशन के बदले तुम्हें एक गिफ्ट दिया जाएगा। AI ने सारा को कुछ समय के लिए उसकी माँ के साथ मिलने की परमिशन दे दी थी ताकि सारा खुश हो सके। सारा तुरंत अपनी मॉम के पास चली जाती है और कूट कूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि कुछ समय बाद एक ऐसा मोमेंट आएगा जब वो अपनी मॉम से मिल ही नहीं सकती थी। सारा को पता चल गया था कि उसने पैसों के बदले कंपनी को खुद को बेच दिया था, इसीलिए अब उसे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक ही नहीं। सारा की मॉम उससे कह रही थी कि तुम हमेशा के लिए अब मेरे साथ ही रहो, पर अब AI द्वारा दिया गया टाइम यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी कि सारा को अपनी मॉम को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अब सारा के बॉडी में मौजूद AI उससे बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज कराती है, जैसे कि किसी आदमी को जाकर बंदूक से मार देना। सारा ऐसा बिल्कुल भी करना ही नहीं चाहती थी, पर अफसोस उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। सारा ने तो AI के कहने पर चलते हुए आदमी को चाकू मार दिया। इतने सारे मर्डर के बाद तो सारा एक क्रिमिनल बन चुकी थी, उसे तो अपनी जिंदगी पर घिन आ रही होती है। पर अब वो AI सारा से कहती है कि ये तुम्हारा अब लास्ट मिशन है, इस मिशन के बाद तुम पूरी तरीके से आजाद हो जाओगी, इसीलिए अब सारा AI द्वारा बताए गए उस मिशन को फॉलो करने लग जाती है। इस मिशन में सारा को एक लेडी को जान से मारना था जो डायनेमिक हेल्थ केयर कंपनी की एक प्रोग्रामर थी। उसके घर पे पहुंचने के बाद सारा का मन अचानक से बदल गया था। वो तो अब कोई भी मर्डर करना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए सारा पास में रखे एक लैम्प के पास जाकर खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देने लग जाती है, जिससे कि सारा कुछ देर तक के लिए बेहोश हो चुकी थी।
अब यहाँ जब सारा उठती है तब वो उस प्रोग्रामर से कहने लगी थी कि क्या तुम इस चिप को मेरे बॉडी से निकाल सकती हो। प्रोग्रामर ने इसका जवाब हाँ में दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें लेबोरेटरी जाना पड़ेगा। सारा ने अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक इसीलिए दिया क्योंकि एआई सिस्टम कुछ समय के लिए रीबूट होती है, जिससे कि सारा को ये सुनहरा मौका मिल गया था। पर वो दोनों जैसे ही घर के बाहर जाते हैं तभी जैक गन लेकर सीधा प्रोग्रामर की खोपड़ी में वार कर देता है, जिससे कि वो प्रोग्रामर तुरंत ही मर गई थी। सारा यहाँ पर जैक से कह रही होती है कि वो उसे भी जान से मार दे, क्योंकि वो भी अब जीना नहीं चाहती। लेकिन जैक को जो एआई सिस्टम कंट्रोल कर रही थी वो उसे ये करने से रोकती है। जैक भी इस चिप से काफी परेशान हो चुका होता है, इसीलिए अब वो गन लेकर खुद की ही जान ले लेता है। सारा तो एकदम बेहोशी की हालत में बाहर निकल पड़ी थी, उसे कुछ समझता ही नहीं कि वो क्या करे, आखिर ये एआई चिप उसका पीछा कभी छोड़ेगी भी कि नहीं। अब हमें कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जा रहा था, जहां सारा उस एआई चिप के साथ थोड़ी कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि अब उस एआई ने सारा के हर मिशन कंप्लीट करने के बाद उसके अकाउंट में काफी सारे पैसे भर दिए थे, जिससे कि सारा अपने फैमिली वालों को एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर पा रही थी। साथ ही साथ सारा अपने वर्ल्ड टूर के सपने को भी पूरा करती रहती है। वो तो अभी पेरिस में अपनी छुट्टियां काट रही थी। सारा को लग रहा था कि शायद अब वो चिप उसे कोई भी मिशन नहीं देगी, पर ये उसकी गलत फहमी थी। ये सारा प्लान उसी चिप का था, क्योंकि उसे कंपनी के हेड को कैसे भी मारना था, और वो हेड पेरिस में ही रहती है। सारा पूरी तरीके से एआई के कंट्रोल में आकर उस लेडी को तुरंत मारने चली गई थी, पर अब उसे मारने के बाद सारा बड़ी हिम्मत करके एक बिल्डिंग के पास आ जाती है और नीचे छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। सारा को पता था कि जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक ये एआई उसके ऊपर हावी होती रहेगी, इसीलिए अंत में इतने सारे मर्डर करने के बाद सारा ने खुद की ही जान ले ली। और इस तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।